आज एनसीबी रिया चक्रवर्ती से कर सकती है पूछताछ। रिया को एनसीबी की टीम कभी भी भेज सकती है समन। ड्रग्स केस में एनसीबी ने रिया के फोन कॉल को भी किया क्लोन। फोन कॉल में ड्रग्स खरीदने बेचने और लेने की हो रही है बातचीत। सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने रिया पर सुशांत की हत्या का लगाया आरोप। कहा मुंबई पुलिस से बेहतर काम कर रही है सीबीआई। सुशांत की मौत मामले में उसकी बहन मीतू सिंह से सीबीआई ने की पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 5 घंटे तक हुई पूछताछ। सुशांत के कथित दोस्त दीपेश सिंह से सीबीआई की पूछताछ। संदीप सिंह से करीब 6 घंटे तक हुई पूछताछ। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने की एक और गिरफ्तारी। सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। रिया शौविक और दीपेश को एक साथ बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी का। इस मामले में देसी और विदेशी बड़ी मछलियों पर भी कसेगा शिकंजा। सुशांत केस में एनसीबी ने कहा तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। शौविक सैमुअल कैजान अब्दुल बासित और जैद 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर, लेकिन कैजान को मिली जमानत। सुशांत केस में शौविक के लैपटॉप से 23 GB डेटा डाउनलोड किया गया, एनसीबी करेगी जांच। सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक से भी पूछताछ का सीबीआई को सारी जानकारी दे दी है, उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी। स्मिता पारिक ने यह भी दावा किया कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते। सुशांत के पूर्व स्टाफ अंकित आचार्य का बयान का सिद्धार्थ पिठानी ने बिना पुलिस की इजाजत के सुशांत की डेड बॉडी को क्यों छुआ। अंकित आचार्य ने कहा सुशांत ड्रग्स लेते थे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं सामने आया। मुंबई में कांग्रेस नेता निजामुद्दीन ब्राइन कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने पहुंचे। महाराष्ट्र की तुलना पीओके से करने के खिलाफ शिकायत। बेंगलुरु ड्रग्स मामले में सीसीबी ने अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी समेत 12 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। सभी पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ का तेहरान में जोरदार स्वागत। ईरान के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। भारत चीन तनाव के बीच राजनाथ सिंह का बयान, कहा देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह तैयार। लद्दाख में भारत एक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क बनाने की तैयारी में। निमू से दर्चा होते हुए लेह तक बनेगा 280 किलोमीटर लंबा हाईवे। जालबाज चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना तैयार। लद्दाख में सेना की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर को किया गया तैनात। माउंटेन स्ट्राइक कोर को इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप में बांटा गया है। तोपखाना, टैंक, मिसाइल यूनिट, सिग्नल जैसे सारे कंपोनेंट्स से लैस है ये यूनिट। उत्तर सिक्किम में भारतीय सेना ने चीन के 3 नागरिकों को बचाया। तीनों 17,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस पर बीजेपी का तीखा प्यार, कहा पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी हीरो हैं राहुल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन में एक M4 गन बरामद। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी। भारतीय सेना का एक जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। कोविड-19 महामारी के चलते बुलेट ट्रेन आने में 2 साल की होगी देरी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान। 12 सितंबर से रेलवे 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यात्रा के लिए 10 सितंबर से शुरू होगा रिजर्वेशन। रेलवे में नौकरी के लिए 15 दिसंबर को एंट्रेंस एग्जाम। करीब 1.5 लाख पदों के लिए 2.5 करोड़ आवेदन। दिल्ली में जीटीबी एनक्लेव में किन्नरों के गुरु की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर बन करके लोगों को लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ा। दिल्ली के साकेत कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के बाजारों में बिना मास्क पहने घूमने पर कटेगा चालान। सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस ने लगाए 80 कैमरे। मुंबई से सटे अमरनाथ इलाके में एक कंपनी से रासायनिक गैस हुई लीक। स्थानीय लोग खांसी से हुए परेशान। अगले 12 घंटे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना।
दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर, पिछले 24 घंटे में 2973 कोरोना के नए केस आए सामने। कोरोना से अब तक 4538 लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजधानी में टेस्टिंग डबल करने की कही बात। देश में कोरोना संक्रमण से एक दिन में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। संक्रमण से अब तक 31 लाख मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 89,000 के पार। 24 घंटे में 1,566 नए मामले। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के हालात की समीक्षा की। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश दिया। 12 जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। फरार कोरोना मरीज की रेलवे स्टेशन के बाहर मिला शव। हरियाणा के करनाल में छापे पर काम करने वाले लोगों की कोरोना जांच पॉजिटिव मिलने पर ढाबे को 48 घंटे के लिए किया गया बंद। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की बड़ी छलांग। 12वीं से दूसरे पायदान पर पहुंचा प्रदेश। चीन पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रहार। राज्य में सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेंगी चीन की कंपनियां। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चील थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से जमकर चली गोली। अयोध्या में स्ट्रीट शीटर राजेश निषाद पर जानलेवा हमला। रुपए के लेन देन के विवाद में बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के वृंदावन घूमने आई युवती से गैंगरेप। गेस्ट हाउस में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। कानपुर लव जिहाद की जांच कर रहे एसआईटी की टीम का बड़ा खुलासा। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण और कानूनी लड़ाई के लिए विदेश से होती है फंडिंग। मेरठ में राम मंदिर निर्माण के नाम पर ठगी का भंडाफोड़। ट्रस्ट के नाम से बनाया गया था फर्जी दफ्तर। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद और उसके करीबियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। सीएम शिवराज सिंह की मंत्रियों के साथ अहम बैठक। आत्मनिर्भर भारत अभियान और पीएम आवास समेत कई योजनाओं पर चर्चा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तीन पायदान की छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुंचा मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में 12 सितंबर को पीएम आवास योजना के 1.5 लाख मकानों का लोकार्पण। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपेंगे आशियान। हवाला कारोबार के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार नरेश जैन का सामने आया इंदौर कनेक्शन। 6 करोड़ रुपए लेकर के फरार होने का आरोप। इंदौर में आज से रेस्टोरेंट बार और होटल खोलने की इजाजत। आज से सिटी बसें भी चलेंगी। अमरोहा में आदमपुर गांव में अजगर ने हिरण को निगला। गांव वालों ने हिरण को बाहर निकालने के लिए अजगर को मौत के घाट उतारा। आगर मालवा में मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए के 17 क्विंटल 27 किलो गांजा किया गया था। मध्य प्रदेश के रायसेन में रेत माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेत से भरे 11 डंपर पकड़े। मध्य प्रदेश में फिलहाल कम नहीं होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। कोरोना काल में करीब 40% तक कम हुई आय। बीजापुर में नक्सलियों ने मुखबिर के शक में कथित जन अदालत लगा करके 4 लोगों की निर्मम हत्या की। पटना में पुलिस टीम पर शराब माफियाओं का हमला। 10 लोगों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। झारखंड में चाईबासा में 130 किलो गांजा बरामद। तस्कर स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़कर के हुए फरार। बिहार बीजेपी ने किया चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान। प्रचार अभियान की रूपरेखा रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी करेंगे तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा खत। जीएसटी कंपनसेशन के मांगे 2,500 करोड़ रुपए। भागलपुर में पुलिस पब्लिक में भिड़ंत। इंस्पेक्टर सीओ समेत कई पुलिस वाले घायल। भोजपुर में दलित छात्रा से हैवानगी। 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप। वीडियो भी किया वायरल। पूर्णिया में जमीन विवाद में महादलित बस्ती पर हमला। 2 महादलितों की गोली मारकर हत्या। विधायक सरयू राय ने नीतीश कुमार को बताया सबसे बेहतर सीएम, लेकिन बीजेपी पर तरेरी आंख। रांची में एसीबी ने एनटीपीसी के सेफ्टी मैनेजर पर कसा शिकंजा। 3 लाख रुपए घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। जन घोषणा पत्र को लागू करने पर चर्चा। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोटा चित्तौड़ हाईवे पर ट्रेलर और मारुति वैन के बीच भीषण टक्कर। बूंदी के देखेड़ा थाने में महिला एसएचओ 14,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। जयपुर पुलिस ने मिराज की नकली तंबाकू का बड़ा स्टॉक किया जब्त। कर्ज में डूबते गए किशोर बियानी। 15 साल तक रिटेल बिजनेस से रहेंगे बाहर। स्टार्टअप को प्राथमिकता से कर्ज दिलाएगी आरबीआई। 50 करोड़ रुपए तक का बैंकों से मिलेगा कर्ज। वित्त मंत्रालय ने कहा लॉकडाउन की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट, लेकिन अब तेजी से हो रहा है सुधार। सुरेश रैना की धोनी को सलाह। धोनी को खुद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहिए। आईपीएल 2020 में कोरोना से बचने के लिए मुंबई इंडियंस की कवायद। स्मार्ट रिंग पहनेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। आईपीएल 2020 के लिए मुस्तफिजुर रहमान को नहीं मिली एनओसी। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों ने खेलने का दिया था ऑफर। आईपीएल से पहले प्रैक्टिस मैच चाहते हैं जोंटी रोड्स। 2 साल बाद कर रहे हैं टूर्नामेंट में वापसी। शराब का विचार नहीं करेंगे बाबर आजम। मशहूर निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी का निधन।
एक्टर विद्यु जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज का बनेगा सीक्वल। चारू असोपा ने महीनों बाद मिले पति राजीव सेन, रोमांटिक तस्वीर शेयर। टीचर्स डे पर कंगना ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है। कंगना की यह तस्वीर स्कूल के एनुअल डे की है। नेपोटिज्म पर बोली करीना कपूर, कहा तैमूर को खुद बनाना होगा अपना रास्ता। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन एक मैगजीन का हवाला देते हुए कहते हैं कि लेख अगर सही है तो फिर बेहद शर्मनाक है, ट्रंप में सेवा भाव नहीं। रूस की राजधानी मॉस्को के मेयर ने कहा मॉस्को मास टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्कूल में एक बच्चे के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर दो कक्षाओं को किया गया बंद। इस्लामाबाद के जू में बीमार हाथी को दी जा रही है अजीब थेरेपी, सुनाया जा रहा है मशहूर गायक फ्रैंक सिनाटरा का माई वे गाना। बेलारूस में राष्ट्रपति के चुनाव में विरोध में फिर प्रदर्शन, राजधानी मिन्स्क में छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर किया प्रदर्शन। बाल बाल बचे नहीं तो हो जाता हादसा, ये लड़का जैसे ही रेलिंग से दूर गया तेजी से आकर के कार ऐसे टकराई कि उसके परखचे उड़ गए। बिना डरे ब्रिज के ऊपर से छलांग, अगर जरा सी चूक होती तो बड़ा हादसा हो जाता। अनोखी कलाबाजी का नया नमूना, यह शख्स मैदान में ऐसे कलाबाजी दिखा रहा है कि देखने वाले दंग रह गए। पार्क में माँ बेटे का कर्तव्य, माँ के हाथों पर खड़ा होकर के बच्चा बिना डरे मस्ती कर रहा है। दिव्यांग के लिए सुविधाजनक साइकिल, इसके जरिए किसी भी सीढ़ी को पार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चले थे कमाल दिखाने और हो गया हादसा, जरा सी चूक हुई गहरी खाई में जा गिरे। सेल्फी लेने में ही नहीं बल्कि तस्वीर खिंचवाने में भी लापरवाही से हो सकता है हादसा। स्टंट मैन ने ड्रम के बने पुल पर दौड़ाई 100 की स्पीड में बाइक। लड़की को भेड़ से पंगा लेना पड़ गया भारी, भेड़ ने लड़की को ऐसी टक्कर मारी कि लड़की जमीन पर। डाकू राकेश आइया, मार सके ना कोई, इस हादसे की तस्वीर को देखकर के आप भी यही कहेंगे।